गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, ऑपरेशंस ऑन लार्ज नंबर, एंड वी कवर अप टू टॉपिक्स. फर्स्ट इज एडिशन एंड सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन ऑन लार्ज नंबर्स, एंड एज वेल एज वी सॉल्व एक्सरसाइज 5.1, बट हाफ पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ओनली, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सम्स ऑफ सेम एक्सरसाइज बट फ्रॉम 17 to 21, और लास्ट जो भी है सेकेंड पार्ट में है ये. तो इसको और ये वीडियो ध्यान से सुनने के बाद नाउ यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. लेट्स गेट स्टार्ट विद द सम्स. क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट शुड बी एडेड टू डैश. डैश मीन्स 56,64,09,805 टू गेट द लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर. इस क्वेश्चन का मतलब कि इस नंबर में हम कितना ऐड कर दें कि ये हमारा 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाए. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर. क्लियर. चलिए इसे हम लोग कॉपी में सॉल्व करके देखेंगे. लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 9 टाइम्स 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम 99,99,99,999. क्लियर. और क्वेश्चन कह रहा था कि 56,64,09,805 में कितना ऐड करें कि ये बन जाए. क्लियर. चलिए हम छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि 3 में कितना ऐड कर दें कि वो 9 बन जाए. कैसे आएगा, फॉर दिस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 9. ये पता लगाने के लिए हमें 9 में से 3 को माइनस करना होगा. वी हैव 6. अब हम इसको चेक करके देख लें, 3 + 6 = 9. इट मीन्स आर आंसर इज करेक्ट. तो यहाँ भी छोटे एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि हम इस नंबर में कितना ऐड करें कि ये बन जाए. इट मीन्स हमको करना क्या है कि जो गिवन नंबर है उसको 9 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर. मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यू हैव टू सॉल्व इट विद योर ओन. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिप्लेस द स्टार बाय करेक्ट डिजिट. क्लियर. इसे भी आप खुद करेंगे, इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है. साइन आप देखते रहिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है. जैसे यहाँ एडिशन है तो 5 - 5 में कितना ऐड करेंगे 9 हो जाए. 5 + 4 = 9, 4 + 4 = 8, 7 + 7 में कितना प्लस करें कि 0, 0 मतलब 0 तो आएगा नहीं, इट मीन्स ये कैरी वाला है. तो 7 + 3 gives you 10, 10 का यहाँ 0, 1 कैरी हो गया. 6 + 1 = 7 ऑलरेडी आ रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा. क्लियर है. इसी तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन करना है कॉपी में. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, सम ए 15,000 < फाइंड द नंबर विच इज. वैसा नंबर फाइंड करिए जो इस नंबर से 15,000 कम हो. सिंपल है, इस नंबर से आप 15,000 को लेस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर विच इज 20,000 मोर दैन दिस. वैसा नंबर फाइंड करिए जो इस गिवन नंबर से 20,000 ज़्यादा हो. तो क्या करेंगे, हम 20,000 को इस नंबर में ऐड कर देंगे. लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस कर देंगे, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे. इसी तरह से यहाँ दोनों में भी किया जाएगा, 10,000 मोर दैन दिस, सो वी हैव टू ऐड 10,000 टू दिस नंबर, एंड 40,000 लेस दैन दिस, सो वी आर गोइंग टू ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट 40,000 फ्रॉम दिस नंबर. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20,
A survey conducted in a country shows that 9,31,03,251 people have only primary education, while 3,25,18,235 people have secondary education, and 90,30,585 people have higher education. ठीक, एक सर्वे कंडक्ट किया गया एक कंट्री में, कंट्री मतलब देश, इंडिया ही मान लीजिए एग्जांपल, जिसमें 9 करोड़ समथिंग पीपल हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की है, प्राइमरी तक से उन्होंने पढ़ाई की है, प्राइमरी मीन्स टिल क्लास 5. फिर है आपका 3 करोड़ समथिंग पीपल दैट हैव सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ बच्चे हैं जो सेकेंडरी एजुकेशन तक पढ़ पाए हैं, और फिर 90,30,585 हैं जो हायर एजुकेशन में भी गए हैं, ठीक, जिन्होंने थोड़ी और पढ़ाई की है. इफ़ देयर आर इतने इलिटरेट एंड इतने चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन, अब अगर इतने लोग अभी भी इलिटरेट हैं, इलिटरेट मतलब अनपढ़, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की, ठीक, कितने लोग हैं, 21,22,34,576 इलिटरेट पीपल हैं उस देश में, 1,27,57,886 चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन है, इतने छोटे बच्चे हैं जिनके स्कूल में एडमिशन ही नहीं हो सकता, मतलब 1, 2 या 3 साल के हैं. फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो उस कंट्री की टोटल जनसंख्या निकालनी है, उस कंट्री में टोटल कितने लोग रहते हैं. बहुत ईजी है बच्चों, जैसे छोटी क्लास में हम लोग थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करते थे एक वर्ड का, जिससे समझते थे कि इस क्वेश्चन में हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ भी हमें वो ट्रिक यूज़ हो जाएगी. यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है टोटल का, क्लियर, कौन सा वर्ड हो रहा है टोटल, टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड. अब क्या क्या ऐड करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे. सबसे पहले हम लिखेंगे, हम यहाँ पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन जितनों ने ली है, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इलिटरेट पीपल एंड चिल्ड्रेन, इन सभी को क्या करना है, हमें ऐड करना है. क्लियर, स्टेटमेंट आपको खुद से बनाना है, लाइक नंबर ऑफ पीपल हैविंग प्राइमरी एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हैविंग सेकेंडरी एजुकेशन, नंबर ऑफ पीपल हैविंग हायर एजुकेशन, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन. ऐसे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, और उस सभी नंबर को आप ऐड करके नीचे आंसर में लिखेंगे, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज दिस, जो भी यहाँ पर आंसर आएगा. क्लियर, नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21. 1,15,37,675 पीपल विजिटेड अ फेयर इन अ वीक, फेयर मीन्स मेला. एक हफ्ते में ये 1 करोड़ समथिंग पीपल हैं जो मेले में घूमने जाते हैं. आउट ऑफ देम, जिसमें से 12,42,375 वर मेन, 75,34,898 वर वेमेन एंड द रेस्ट वर चिल्ड्रेन. इस 1,15,00,000 में से इतने मेन थे और इतनी वेमेन थी, औरतें थीं, और बाकी जो बचे वो बच्चे थे. तो फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु विजिटेड द फेयर इन दैट वीक, उस हफ्ते कितने बच्चे गए मेले में, वो आपको निकालना है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. यहाँ पे आपका 2 ऑपरेशन साथ में हो रहा है, दैट इज एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन. पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड अ फेयर, आपको लिखना है टोटल कितने लोग उस फेयर में गए, ठीक, 1,15,37,675 इतने लोग गए थे. उसके बाद आप लिखेंगे नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ विमेन, कितनी कितने आदमी थे, कितनी औरतें थीं, उन दोनों को क्या करेंगे ऐड. नंबर ऑफ मेन विजिटेड द फेयर, नंबर ऑफ विमेन विजिटेड द फेयर, दोनों को आप ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को आपको
माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड द फेयर, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कहाँ घूमने गए थे मेले में उनसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस यू गॉट द आंसर और यू गॉट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन विजिटेड द फेयर. आपको वो नंबर मिल जाएगा जितने बच्चे उस मेले में घूमने गए थे. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, एज आई एक्सप्लेन यू ऑल द सम्स, रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1, नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल द सम्स इन योर कॉपीज. एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू क्लास.